ज़िंदगी में कंफर्ट बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है, और कंफर्ट हमें कहाँ मिलता है? हमारे घर पे, हमारे किचन में, एंड इनफ फूड. वेलकम टू फैमिली फूड डे. फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर. आज का जो एपिसोड है, इट्स ऑल अबाउट कंफर्ट. कंफर्ट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, इजंट इट एब्सोल्युटली ट्रू? So for today's episode, I'm going to call my brother, Brijesh. Welcome to the show, Brijesh. Hello. Hi, Alnadi. How are you? Good. Bhai ho to aisa. He's always been with me for all my ups and downs, and I'm sure he's going to always be with me, always. And the same goes for her as well. She's been there through everything. Yes. So what are we eating today? आपको क्या पसंद है? मुझे तो कंफर्ट फूड, हम तो कच्छ के हैं. हाँ, बिल्कुल. तो हमारे लिए कंफर्ट फूड ही बेस्ट होता है, और पूरा टाइम मैं बाहर रहता हूँ, अलीबाग या वहाँ ट्रैवल. करेक्ट. सो घर पे इट्स ऑलवेज खिचड़ी. खिचड़ी, वाओ. सो आज मैंने आपके लिए खिचड़ी. एक्सीलेंट. बट इट्स द ईयर ऑफ द मिलेट, सो आई हैव डिसाइडेड टू मेक अ मिलेट खिचड़ी फॉर यू. तो मेरे पास है 1 कप प्रोसो मिलेट. वी विल पुट प्रोसो मिलेट इन द कुकर. And थोड़ा सा फूल गया है, because we have soaked it nicely. Do we soak it overnight or we soak it now? Couple of hours, okay. 2-3 hours. And the dal. Dal is also soaked and the water, we have drained it before putting it inside. 1 cup dal, 1 cup millet. So 4 cups of water. आप थोड़ा ज़्यादा भी पानी डाल सकते हैं. थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे. Yes, थोड़ा salt. Salt to taste. थोड़ा सा घी डाल देंगे. ये जो घी या तेल हम डालते हैं इसमें, जब कुकर बंद करते हैं और सीटी लगाते हैं, तो घी डलने से ना, इट डजंट कम आउट, द वाटर डजंट कम आउट. चिपकता भी नहीं है. बिल्कुल चिपकता नहीं है. तो इसको हम पकने देते हैं 1 या 2 विसल तक, और उसके बाद धीमी आंच पे 2 या 3 मिनट. तो हमारी खिचड़ी शायद पक ही गई है. देख लेते हैं. खिचड़ी एकदम अच्छे से पक गई है, नाइस एंड सॉफ्ट. आजकल तो इन रेस्टोरेंट्स यू हैव सो मेनी वेरिएशंस ऑफ खिचड़ी. यस, इन फैक्ट पीपल हैव स्टार्टेड बिजनेसेस आउट ऑफ खिचड़ी. यस, हम लोग हर साल, वेदर इट्स भाई बीज या रक्षाबंधन, वी मेक इट अ पॉइंट टू मीट. चाहे वो टिम्बकटू हो या कहीं पे भी हो, हम लोग हमेशा साल की 2 दिन तो पक्का मिलते हैं. फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर. एब्सोल्युटली. यहाँ पे हमने ये दाल और मिलेट को पका लिया है, और यहाँ पे मेरे पास है पालक. तो हम थोड़ा सा इसको पालक का तड़का देंगे, मेक इट लिटिल मोर हेल्दी. घी तो बनता ही है. हमने पहले भी फैमिली फूड टेल्स में एक रेसिपी बनाई थी, याद है? पाइनएप्पल अपसाइड डाउन. यस. जब ये छोटा था तो उनके घर में नॉनवेज कभी नहीं बनता था, बट उसको ना अंडे बहुत पसंद थे. तो फोन करके, दीदी आई एम कमिंग टू हाउस, लेट्स ईट एग्स. आई सेड ओके ओके, कम फास्ट. थोड़ा सा जीरा. जीरा, यस, परफेक्ट. देन सम अदरक डाल दो. यू लाइक जिंजर? यस, आई लव जिंजर. यू लाइक गार्लिक? यस. ओके, देन वी कैन ऐड सम गार्लिक आल्सो. और जो पालक के साथ ना लहसुन का तड़का होता है, इट्स सो गुड. ये जैसे अभी एकदम लाल हो चुका है, इसमें हम डालेंगे चॉप्ड अनियंस. नाइसली वी कैन ब्राउन इट फॉर अ वाइल. प्याज पक गए? पक ही गए ऑलमोस्ट. थोड़ा सा यू लाइक चिलीज? यस, आई लाइक सम ग्रीन चिलीज. हाँ जी, डाल दो. डाल दो सर? हाँ, हाथ से मत डालना. आई थिंक दैट्स इनफ. हाँ, और अब हम इसमें पालक डाल सकते हैं. श्रेडेड पालक का इस्तेमाल कर रही हूँ, नहीं तो वो क्या होता है ना, प्यूरे डालो तो एकदम सब कुछ ग्रीन हो जाता है. यहाँ पे इट्स ग्रीन. और श्रेडेड डालने से फाइबर कंटेंट भी आ जाता है जब हम मिलेट बना रहे हैं. हाँ जी. तो व्हिच इज, आई मीन, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने प्रमोट किया है. बिल्कुल. फाइबर, यस, इट्स गुड फॉर आवर सिस्टम. थोड़ा सा नमक डालते हैं. द पालक ऑल्सो गेट्स अ लिटिल फ्लेवर ऑफ द सॉल्ट, बिकॉज हमने इसमें ऑलरेडी नमक डाला है. अगर आपको गरम मसाला पसंद है तो इसमें थोड़ा डाल सकते हैं, नहीं तो आप तड़के में भी ना, यू कैन पुट होल गरम मसाला. right. जैसे लौंग है या दालचीनी है, तो मसाला पकना भी. करेक्ट करेक्ट. आई थिंक अभी ये तो पक ही गया है. यहाँ पे हमारे पास ये मिलेट खिचड़ी, पोर्सो मिलेट खिचड़ी रेडी है. हम इसमें आई थिंक द कंसिस्टेंसी
इज परफेक्ट. परफेक्ट. पालक के साथ ना थोड़ा सा नींबू डालते हैं तो पालक का टेस्ट थोड़ा बेटर हो जाता है आई थिंक. हमारे पास ये प्रोसो मिलेट खिचड़ी रेडी है. यम्मी. थैंक यू. थैंक यू. इसको हम अभी सर्व करेंगे. तो यहाँ पे मैंने पापड़ भी रखा है, अचार भी रखा है. दही खा सकते हैं. जैसे दीदी कहती है खिचड़ी के तीन यार, दही, पापड़ और अचार. यस. घी आप डालिए. And a dollop of ghee. Yes, dollop of ghee. तो ये ready हो गया स्वाद, सेहत और सुख in a plate. हम खिचड़ी को घर पे बहुत boring food समझते हैं. इसको देखेंगे तो this is fragrant lentil risotto. New name. Absolutely. Thank you so much. Thank you. Thank you. Keep smiling and keep watching Family Food Tales. Hope to see you soon. Bye for now. Like, share, subscribe. Yes.